विषा ओम शांति शांति न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आनिक में प्रत्यक्ष की परीक्षा का प्रकरण चल रहा है प्रत्यक्ष की परीक्षा कर रहे हैं और पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रत्यक्ष तो कुछ होता नहीं है अनुमान को ही प्रत्यक्ष कह सकते हैं और इसमें एक प्रसंग फिर ये चला अवयव अवयवी का कि जो ये प्रत्यक्ष वृक्ष दिख रहा है इसमें दो पक्ष हैं उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये कोई अवयवी नहीं है वृक्ष बल्कि ये अवयवों का समूह है और दूसरे जो सिद्धांती हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अवयवी के गुण अलग होते हैं और अवयवों के समूह के अलग होते हैं जैसे इन्होंने कल कहा धारण आकर्षणोपत्ति धारण करना या आकर्षण मतलब खींचना उसको उठा के ऊपर खींचना इधर उधर रखना तो ये जो गुण हैं ये अवयवी में किसी एक में ही हो सकते हैं समूह को हम ना उठा सकते हैं ना धारण कर सकते हैं तो फिर भी ये मान नहीं रहे हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि इसको मतलब ये देख रहा है वृक्ष को अवयवी के रूप में ये पूर्व पक्षी प्रयोग भी कर रहा है वृक्ष के रूप में लेकिन अवयवी के रूप में मानने को तैयार नहीं है तो ऐसा क्या करूं कि जिससे कि ये इस हठ को छोड़ दे आठ धर्मिता को तो उनको एक आइडिया आया कि मैं इससे ये पूछता हूं कि भाई जो एक शब्द का प्रयोग करते हो तो इस एकत्व का विषय क्या है आपका क्योंकि एक तो आप किसी अवयवी को ही कह सकते हैं क्योंकि ये परमाणु के अलावा और किसी को मान नहीं रहा है और परमाणु एक को ये दिखा नहीं सकता है क्योंकि वो तो अत का विषय है तो इसलिए इन्होंने इनके सामने प्रश्न दो रखे इन्होंने कहा किम एक बुद्धि अभिन्नार्थ विषय, आहोस्वित भिन्नार्थ विषय। आपकी ये जो एक बुद्धि एक का जो ज्ञान है जिसको आप एक कहते हैं एक का प्रयोग करते हैं ये अभिन्नार्थ, अभिन्नार्थ माने उस एक में भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है बल्कि अभिन्न अर्थ वाला विषय है वो या फिर उसमें भिन्न भिन्न अर्थ हैं उसको आप एक कहते हो तो बोले इसमें अगर आप कहोगे अभिन्नार्थ विषया ये एक बुद्धि हमारी अभिन्नार्थ विषय वाली है तब तो अर्थांतर सिद्धि अगर आप अभिन्नार्थ मान रहे हो माने बहुत सारे पदार्थ थे लेकिन उन सब में अभिन्नता देख रहे हैं आप तो, तो आपने अभी 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 को स्वीकार कर ही लिया अनेक परमाणुओं से वृक्ष बना था लेकिन अब आप उसमें अनेकत्व ना देख करके वृक्षत्व देख रहे हो एक अर्थांतर वस्तु देख रहे हो तो उसके स्वीकार करने से अब की सिद्धि हो ही जाएगी और यदि आप कहते हैं कि हमारा एक बुद्धि नानार्थ विषय वाला है माने इसमें आप अनेक अवयवों को देख रहे हैं तब तो आप उसको एक नहीं कह सकते हैं यदि वहां आपको अनेक दिखाई दे रहा है भिन्न भिन्न अर्थ दिखाई दे रहे हैं तो भिन्नशु भिन्नेशु अनेक दर्शनाथ सॉरी भिन्नेश अनुपपत्ति तो भिन्नों में तो एक दर्शन की अनुपपत्ति होगी अलग अलग अनेक हैं तो उसमें एक बुद्धि नहीं हो सकती है अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धि ने दृश्यते अनेक में एक बुद्धि हो ही नहीं सकती है आप यहाँ अनेक विद्यार्थी बैठे हैं और मैं कहूँ कि एक विद्यार्थी बैठा है तो ये नहीं हो सकता है ना अनेक में एक बुद्धि कैसे हो सकती है तो इन्होंने उत्तर दिया कि सेना वनवत चेत बोले सेना और वन की तरह से ग्रहण हो जाएगा वहां अनेक में एक का ग्रहण होता है ना तो कहा कि नहीं नहीं हो सकता है क्योंकि जो आप वृक्ष में क्या बता रहे हैं परमाणुओं का समूह और परमाणु को तो हम ना एक को देख सकते हैं और ना तो समूह को देख सकते हैं भाई हमारे पास यहां एक परमाणु पड़ा हो या यहाँ पर हजारों लाखों परमाणु बिछे हुए हैं इस कमरे में तो हम देख ही नहीं सकते हैं ना ना एक को ना अनेक को तो ये कल हमने पढ़ा था यहाँ सेना अंगेशु वनांगेशु दूरात दूरात, दूरात ग्रीहमाना एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि एवं अणुषु संचिषु अगृह्यम पृथकु इति उपपद्यते रीति पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि देखो जैसे सेना के जो अंग हैं सेना के अंग क्या हैं सैनिक बहुत सारे सैनिक चल रहे हो और वनांगेशु च वन के अंग क्या हैं बहुत सारे वृक्ष तो सेनांगेशु वनांगेशु च दूरात गृहमाण जब हम उसको दूर से देखते हैं सैनिकों की चलती हुई टुकड़ी को या तो बहुत सारे वृक्षों को तो वहां पर पृथक्वेशु एकम इदम यद्यपि वो अलग अलग हैं वृक्ष भी अलग अलग हैं सैनिक भी अलग अलग हैं तो उन अनेकों में अलग अलग में हमारी एक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है हम कहते हैं एक सेना जा रही है। या हम कहते हैं नीचे एक वन है जहाँ हम ऊपर चल रहे हैं फ्लाइट आदि में तो ऐसे हो जाती है ना एक बुद्धि की उत्पत्ति हो जाती है एवं अणुषु संचितेशु ऐसे ही ये जो वृक्ष में संचित अणु हैं उनमें अग्रिहमाण पृथकेशु जिसमें पृथकता को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो एकम इदम इति उपपद्यते तो इसमें एक, हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने एक का विषय पूछा था ना और एक के विषय में इन्होंने कहा कि यदि आप भिन्नार्थ विषय वाला मान रहे हैं तब तो ठीक है वो अवयवी ही होगा अभिन्नार्थ वाला मान रहे हैं तब तो और यदि भिन्नार्थ विषय मान रहे हैं एक को तब तो नहीं होगा अनेक में एक बुद्धि नहीं हो सकती है, तो बोले हो जाएगी ना जैसे सेना और वन में होती है तो इसी को खोल के और बता रहे हैं यथा गृहमान प्रथक्त्वानाम सेना वनंगानां आरात् कारणांतरतः प्रथत्वस्य अग्रहणम कह रहे हैं जैसे गृहमान प्रथत्वानाम प्रथक प्रथक हैं सेना के और वन के अंग उनको हम गृहीत कर ही सकते हैं अलग-अलग लेकिन उनको आरात कारण आरात मतलब दूर से या तो दूर से देखें हम या तो कारणांतर ऊपर से देखें किसी दूसरे कारण के कारण तो पृथक से अग्रहणम तो उनकी पृथकता का ग्रहण नहीं होता है वो दूर से पृथक पृथक नहीं दिखते हैं और कह रहे हैं, ऐसे ही वन में यथा गृहमाण जाति नाम पलाश इतिर इति वरात जाति ग्रहणम बहुत और कह रहे हैं वैसे ही जब जंगल में पास में जाते हैं तो उनका पृथक गृह है अलग अलग हैं वो हमें पता लगता है ये पलाश का वृक्ष है ये खदीर का वृक्ष है लेकिन आरा जाति ग्रहण हमने बहुत लेकिन जब हम उसको दूर से देखेंगे तो बस सब हरा ही हरा दिखाई देगा अलग अलग उसका पृथक्व ग्रहण नहीं होगा तो कह रहे हैं यथा गृहमाण प्रस्पंदा नारात स्पंदन गृह अर्थ जाते हैं पृथक्व से एकम इति भागत प्रत्यय भवती और कह रहे हैं जिस प्रकार से गृहमाण प्रस्पंदा जैसे हवा चल रही है और वो हिल रहे हैं वृक्ष स्पंदित हो रहे हैं लेकिन आरात न स्पंद ग्रहणम लेकिन दूर से देखेंगे तो वो हिलते भी नहीं देख, दिखते हैं वृक्ष जब आप कहीं बहुत पर्वत के शिखर से देखोगे तो लगेगा ऐसे ही खड़े हैं और पास जाके देखोगे नीचे तो वो हिलडुल नहीं स्पंदन न आरात स्पंद ग्रहणम गृह च अर्थ जाते तो ये यहाँ तक इसका था पूर्व पक्षी का तो इसने कहा कि यहाँ सब जगह अनेक में एक का दर्शन हो रहा है तो ऐसे ही यहाँ वृक्ष में भी अनेक परमाणु हैं पर हम उसके लिए एक वृक्ष का प्रयोग कर लेंगे तो ये कह रहे हैं गृहमाणे अर्थ जाते अग्रहनात एकम भाक्त कह रहे हैं जो आपने उदाहरण दिए हैं जो अलग अलग सेना के अंग या अलग अलग वृक्ष गृहमाण होते हैं उस अर्थ जाते उन पदार्थों में पृथकत्व से अग्रहणम उनकी पृथकता का जो ग्रहण नहीं होता है और दूर से हम उसको कह देते हैं एकम इति तो एक सेना है या एक वन है इति प्रत्यय ये तो गौण प्रयोग है मुख्य नहीं है ना क्योंकि पास से हमने उनमें एक एक को हम जानते हैं तो एकत्व हमारा प्रधान रूप से कहा सिद्ध हो गया निकट से जब देखा वहां वो प्रधान है एक में एक देखा हमने तो अब दूर से हम गौण रूप से एक का प्रयोग कर सकते हैं और आपके मत में तो प्रधान रूप से अभी कहीं दिखाया ही नहीं एक आपने तो आप गुण प्रयोग कैसे करेंगे तो कह रहे हैं न तो अणु नाम अणु नाम अग्रह्य मान प्रथक्त्व नाम कारणतः प्रथक्त्व प्रथत्व अग्रहणात् भाक्त एक प्रत्ययो अतिंद्रियत्वात् अणु नाम लेकिन कह रहे हैं जब आप कह रहे हो कि अभी अभी होता ही नहीं सब कुछ क्या है संसार में अणुओं का समूह तो इन अणुओं के समूह में गुण प्रयोग तो आप तब दिखाओ जब आप पहले कहीं एक संख्या दिखाएं एक का विषय दिखाएं और वो आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अणु तो हैं तो जब तक आप एक अणु में एकत्व को नहीं दिखा पाएंगे तब तक अणुओं के समूह में गौण एकत्व को नहीं दिखा सकते हैं वृक्ष में गौण एकत्व को नहीं दिखा सकते हैं न तो अणु नाम अग्रह्यमाण नाम अणुओं में अणु नाम तो नाम उनमें पृथक्व का अ ग्रहण होना पृथक्तव अग्रहणात् जो कारण है अणु उनमें अपृथक्व का जो ग्रहण है वो भाक एक प्रत्ययो वो तो गौण रूप से एक प्रत्यय है लेकिन वो एक में एक का प्रयोग तो अभी आप दिखा नहीं सकते हैं अत इंद्रियवात अणु नाम अणुओं के होने से। तो बोले अब इसी की परीक्षा कर लेते हैं चलो किम एक प्रत्ययो अणु संचय विषय आहोस्वित न इति बोले ये जो एक का ज्ञान हो रहा है एक प्रत्यय है प्रत्यय मतलब ज्ञान ये इसका विषय अणु संचय इसका विषय है या अणु संचय इसका विषय नहीं है माने ये परमाणुओं का एक समूह वृक्ष को मान रहे हैं ना ये इस एक का विषय है या नहीं है इसी की परीक्षा कर लेते हैं अणु संचय एवं सेना वन अंगानी बोले सेना या वन के अंग हैं। इनमें भी क्या है अणु संचय कैसे जो सेना के अंग हैं वो कौन है सैनिक और सैनिक का जो शरीर है वो क्या है अणुओं का संचय और ऐसे ही जो ये वन के एक वृक्ष हैं एक एक वृक्ष अभी अभी जिसको हम मानते हैं वो भी क्या है अणुओं का संचय क्योंकि वृक्ष से ही तो बात चली है तो कह रहे हैं अणु संचय एवं सेना वन अंगानी नीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम साध्यत्वात इति बोले अभी तो इसी की परीक्षा नहीं हुई कि वो जो सेना के अंग हैं या वन के अंग हैं वो अपने आप में एक हैं कि नहीं है आप उनको कह रहे हो कि वहां वो अलग अलग दिखाई देते हैं और दूर से देखते हैं तो हम उसको एक कह देते हैं बोले पहले तो वो जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो भी एक है कि नहीं पहले उसकी तो परीक्षा कर लो उस वृक्ष को भी आप एक मानते हैं कि नहीं मानते क्योंकि वृक्ष से ही तो बात चली थी वृक्ष कोई तो ये प्रत्यक्ष नहीं मान रहे थे बोले पहले इसी की परीक्षा कर लेते हैं तो बोले आपने ये जो उदाहरण दिया सेना और वन के अंगों वाला सिद्धांति कह रहे हैं तो आप पहले इस इसको परीक्षा करके तब तो उदाहरण दे सकते हैं ना तो अभी तो इसी की परीक्षा हमारी संपन्न नहीं हुई कि आप उस सेना के या वन के जो एक एक अंग हैं उसको भी एक मानते हो कि अणुओं का संचय ही मानते हो अब ये भी मानते हो या अणुओं का संचय मात्र मानते हो बोले दृष्टम वो तो दिख ही रहे हैं एक एक एक-एक सैनिक हैं, तो बोले जो दिख ही रहे हैं अनेक परमाणुओं में एक तो उसकी क्या परीक्षा करना है तो कह रहे हैं तद विषय से बोले उसी विषय को लेकर के तो परीक्षा की उत्पत्ति हुई थी पूर्व पक्षी कह रहा है यद्यपि मनने यदि पूर्व पक्षी कहे ये माने दृष्टम इदम ये तो दिख ही रहा है सेना वन अंगा नाम पृथक से सेना के अंग और वन के अंगों का पृथक उनका पृथक तो ग्रहित होता ही नहीं है वो दूर से एक दिख ही रहे हैं अभेदेन एकम इति ग्रहणम अभेद से हम उसका एक ग्रहण कर रहे हैं वैसे तो वो अलग अलग हैं वो दिख ही रहे हैं ना सैनिक अलग अलग हैं वन के वृक्ष अलग अलग हैं पृथक का अग्रहण जो है ये तो कैसे हो रहा है दूर से हो रहा है अभेदेन इति तो कह रहे न चे दृष्टम शक्यम देख ही नहीं सकते हैं दृष्टम शक्यम प्रत्याख्या पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो दृष्ट है जो सामने दिख ही रहे हैं एक एक सैनिक तो देखे हुए को आप कैसे खंडित कर सकते हैं तच तद विषय से परिक्षोपत्ते बोले वो दिख तो हमें भी रही हैं पर वो दिख रहे हैं वो एक एक हैं या परमाणुओं का समुच्चय है इसकी परीक्षा करनी है ना परीक्षा का विषय तो ये है दर्शन विषय एवं अयम परीक्षते ये जो दर्शन का विषय है इसी की तो परीक्षा चल रही है बात वहीं से तो शुरू हुई थी यो अयम एकम इति प्रत्यो दृश्यते स परीक्षते, ये जो एक का ज्ञान हो रहा है जो एक दिखाई दे रहा है स परीक्षते उसी की परीक्षा करनी है किम द्रव्यांतर विषय वा अथ अणु संचय विषय तो ये जो एक दिख रहा है आपको एक वृक्ष एक सैनिक ये उन अणुओं को मिलाकर के कोई द्रव्यांतर बन गया द्रव्यांतर की उत्पत्ति आप मान रहे हैं या तो अणुओं का संचय मात्र ही मान रहे हैं यही तो परीक्षा करनी है अत्र दर्शनम अन्य तरह से साधक बोली ये जो आप कह रहे हो ना कि यहाँ दर्शन हो रहा है तो ये दर्शन अन्य तरह से साधकम अणु संचय को ही सिद्ध नहीं कर सकता है ये दर्शन किसका हो रहा है अणुओं के संचय का तो आपके पक्ष को ये चीज ये केवल दर्शन मात्र सिद्ध नहीं कर सकता है क्योंकि नाना भावे चणूना पृथक से अग्रहणात् अभेदेन एकमति ग्रहणम अतस्मेंदी प्रत्ययो अनेक जो आपके अणु हैं और उन अणुओं के समूह में आप पृथक का अग्रहण कर रहे हैं माने उसको अलग ना देख करके एक देख रहे हैं अभेदेन एकम इति ग्रहणम तो ये जो आपका ज्ञान है ये जो आपका ग्रहण है ये कैसा है अतस्मिति प्रत्यय और यथा स्थान पुरुष ये आपका ज्ञान कैसा है अतस्मिस क्या होता है जैसे स्थानों में पुरुष का ज्ञान जो जैसा नहीं है उसको वैसा देखना जो एक एक है नहीं उनको एक एक देखना तो ये आपका ज्ञान क्या हुआ अतस्मिस तो का तत कौन सी नहीं सिद्धांति की है क्योंकि जो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है जो अणु है जो जिनका अलग अलग भाव है पृथक पृथक भाव है वृक्ष में नाना भावे अणु नाम अणुओं के अलग अलग होने से आप ये क्या मान रहे पूर्व पक्षी एक को तो मान ही नहीं रहा है ना वृक्ष में क्या है अलग अलग अणु हैं तो नाना भाव है ना इसके मन में और उनके पृथक से अग्रहणाथ उनके पृथक पृथकत्व का ये ग्रहण नहीं कर रहा है जैसे सेना और वन आदि में और अभेदेन न एकम इति ग्रहणम ग्रहण क्या कर रहा है उनका भेद न मान के अभेद मानता हुआ एक ग्रहण कर रहा है तो बोली ये जो आप एक ग्रहण कर रहे हैं ये आपका एक का ज्ञान क्या है अतस्मिस्तदिति तदिति प्रत्यय ये तो गौण प्रयोग है ना आपका क्योंकि आप तो एक मान ही नहीं रहे तो ये ऐसा ही प्रयोग है जैसे कोई स्थानु में पुरुष को माने तो ये गौण प्रयोग है ना स्थानु में पुरुष को मानना बोले तम इससे क्या होगा बोले अतस्मिस तद प्रत्यय प्रत्यय से प्रधानापेक्षित ये प्रयोग वाला गौण प्रयोग कोई व्यक्ति कब कर सकता है जब पहले वो प्रधान को जानता हो माने गौण प्रयोग को प्रधान की अपेक्षा होती है अतस्मित तत्प्रत्यय क्या है गौण जो जैसा नहीं है उसमें वैसा मानना तो ये ये ज्ञान क्या करता है प्रधानापेक्षित प्रधान की अपेक्षा करता है प्रधान की सिद्धि चाहता है ये स्थान पुरुष इति प्रत्यस्य से किम प्रधानम तो बोले जो आपने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया स्थानों में पुरुष का ज्ञान इसमें किसको किस क्या प्रधानता है इसमें प्रधान क्या है तो कह रहे हैं यो सौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय तस्मिन सती पुरुष सामान्य ग्रहणात स्थान पुरुषो अयम बोले इसमें प्रधान ये है कि जो ये ये की जगह ना यो कर लेना है, पुरुषे प्रत्यय पुरुष में पुरुष का ज्ञान ये क्या है तस्मिं... तस्मिं है ये पुरुषे पुरुष प्रत्यय तस्मिन सती जो जैसा है उसमें वैसा ज्ञान होना उसके होने पर पुरुष सामान्य ग्रहणात् माने पुरुष का सामान्य ग्रहण होने पर स्थान पुरुषो अयम इति स्थानों में ये पुरुष है तब हम ये ज्ञान कर सकते हैं स्थानों में पर पहले पुरुष का ज्ञान तो होना चाहिए ना प्रधान का तो होना चाहिए ना एवं नाना एकम इति सामान्य ग्रहणात सति भवितो भविताहती तो बोले इसी प्रकार से नाना भूतों में या नाना अवयवों में आप कह रहे हो इति ये एक सेना है या एक वन है तो ये सामान्य ग्रहणात् जो आप ग्रहण कर रहे हैं इसमें प्रधाने सती तो ये बात प्रधान के सिद्ध होने पर ये गुण प्रयोग हो सकता है पर अभी तो आपने प्रधान सिद्ध किया ही नहीं ना एक संख्या को आप कहाँ घटाओगे एक का विषय अभी तो बताया ही नहीं आपने च सर्वस्य अग्रहणात् नोपद्य सर्वस्य अग्रहणात् क्योंकि आप तो इन सब का एक में ग्रहण कर ही नहीं रहे इन सब परमाणुओं का इसलिए प्रधान है ही नहीं आपके यहाँ तो प्रधान संज्ञा उपन्न ही नहीं होगी तो प्रधान ही नहीं है तो फिर गौण प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं तस्माद अभिन्न एवं अयम अभेद प्रत्यय एकम इति तो इसलिए अभिन्न अभिन्न माने अवयवी भिन्न भिन्न नहीं है ये जो आप वृक्ष में भिन्न भिन्न परमाणुओं का संचय मान रहे हो ये क्या है अभिन्न तस्माद अभिन्न एवं अयम अयम माने अवयवी अवयवी क्या होता है अभिन्न अभेद प्रत्यय एकम इति तो ये जो अभेद का ज्ञान है ये एक में होता है माने एक में एक का ज्ञान तो ये एक में एक का ज्ञान तो अवयवी में ही हो सकता है अणुओं के संचय में या समूह में ये नहीं हो सकता है इसकी बात खंडित होगी पूर्व पक्षी की अब ये अगली बात कह रहा है कि ठीक है ये जो मेरे को प्रधान रूप से एक दिखाना है तो ये चक्षु के विषय में ही दिखाना जरूरी है क्या या किसी अन्य इंद्रिय के अर्थ में भी हम दिखा सकते हैं क्योंकि एक को एक दिखाना यह सारा तो चक्षु का विषय चल रहा है तो ये कह रहे हैं इंद्रियांतर विषय अभेद प्रत्यय इति चेत बोले जो इंद्रियांतर हैं चक्षु इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रियां हैं आदि इंद्रियां उनके जो विषय हैं शब्द आदि उनमें इंद्रियांतर विषय अभेद प्रत्यय वहां पर मैं अभेद प्रत्यय दिखा दूं और उसको इति चेत उसको मैं प्रधान मान लूं और फिर यहाँ उसका गुण प्रयोग कर लूंगा ऐसा करूं तो, तो कहा न विशेष हेतु अभावात् तो उसमें भी बोले आपके पास कोई विशेष हेतु नहीं है कि उनका विषय एक ही होता है दृष्टांता व्यवस्था बोले दृष्टांत की अव्यवस्था होगी क्योंकि आपने दृष्टांत किसका दिया है सेना वन्वत, वन्वत, चक्षुष का दिया है तो इसलिए आपके दृष्टांत की अव्यवस्था हो जाएगी फिर कह रहे हैं श्रोत्रादि विषय ये पूर्व पक्षी का है श्रोत्रादि विषय शब्दादिशु अभिन्नषु एक प्रत्यय प्रधानम अनेकस्मिन अनेक प्रत्यय इति कह रहे हैं जो श्रोत्रादि के विषय हैं शब्द आदि उनमें अभिन्नषु एक प्रत्यय शब्द ध्वनि रूपी जो शब्द है वो अनेक होते हैं ना क्योंकि वो तो क्षणिक होता है तो शब्द संतान से ही तो वो आगे चलते हैं ना तो रहे हैं उनमें लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है शब्द को क्योंकि आकाश एक है तो एक ही कहा जाता है ना तो वहां भिन्न में एक का प्रयोग हो रहा है शब्द में जैसे मैं शब्द बोल रही हूं तो इसको यही तो कहेंगे कि दीदी का शब्द हमने सुना जो शब्द मैंने बोला लेकिन वो शब्द वास्तव में क्या है भिन्न है ना संतति शब्द संतति है वो तो लेकिन यह एक का प्रयोग हो रहा है ना तो इसको हम प्रधान मान लेंगे अनेक में एक का ज्ञान यहाँ हो जाएगा और फिर वहां वृक्ष में हम गौण प्रयोग कर देंगे जैसे स्थानों में पुरुष का प्रयोग किया जाता है श्रोत्रादि विषयेशु शब्दादिशु अभिन्नेशु एक प्रत्यय प्रधानम अनेक एक प्रत्यय इति तो ये क्या हो जाएगा अनेक में एक का ज्ञान एवं च सती दृष्टान्तोपादान न व्यवतिष्ठते तो ऐसा होने पर जो हमने दृष्टांत दिया था वो उसका खंडन नहीं होगा दृष्टान्तोपादान तो ये कह रहे हैं न व्यवतिष्ठते कह रहे हैं, नहीं आपका ये दृष्टांत नहीं ठहर पाएगा क्यों विशेष हेतु अभाव विशेष हेतु का अभाव होने से अणुषु संचितेशु एक प्रत्यय किम तस्मिस्तदिति प्रत्यय स्थानो पुरुष प्रत्ययवत अथ अर्थस्य तथा भावात तस्में तद इति प्रत्ययो यथा शब्द से एक, एक शब्द इति बोले तब भी आपकी बात सिद्ध नहीं होगी क्यों क्योंकि अब आपके पास दृष्टांत तो एक है लेकिन आप जो दिखा रहे हैं उस दृष्टांत की भिन्नता या अभिन्नता वो तो दो चीजें हो गई कैसे अणुसु संचितेशु एक प्रत्यय अणुओं का जो संचय है वृक्ष उसमें आप एक प्रत्यय को मान रहे हैं कि यहाँ हम एक वृक्ष का ज्ञान कर रहे हैं तो ये जो आपका एक का ज्ञान है वृक्ष में किम प्रत्यय क्या ये में का ज्ञान है जैसे कि स्थान पुरुष है माने ये गौण भाक्त प्रयोग है स्थानु में पुरुष का ज्ञान होना ऐसा है या अथ अर्थस्य तथा भावात या फिर उस पदार्थ के वैसे ही होने से तस्मि तदिति प्रत्यय जो जैसा है उसमें वैसा ही उसका ज्ञान होना ऐसा है ये यथा एकत्वात जैसे शब्द के एक होने से एक है शब्द माने एक में एक का ज्ञान है या अनेक में एक का ज्ञान है ये पता नहीं चलेगा ना क्यों विशेष हेतु अभाव हेतु परिग्रहणम अंतरेण दृष्टान्त संशयम आपादयते इति क्योंकि विशेष हेतु का परिग्रहण किए बिना ये जो दृष्टांत है आपके दोनों सेना वनवत तो बना रहेगा कि क्या ये सेना जो ये तस्मिस्तत या अतस्मिस्तत हैं ये बताया तो बोले आपके यहाँ कैसे इसका परिहार होता है तो बोले हमारे यहाँ तो हो जाएगा कुंभवत ना अभी इसका नहीं है ये पूर्व पक्षी का ही है कुंभवत संचय मात्रादयरण गंधादय और बोल जो आप कह रहे हैं ना ये इंद्रियांतर का विषय लेकर के कि जो दूसरी इंद्रियां हैं उनके विषय को लेकर शब्द एक है गंध एक है वहां मैं प्रधान रूप से दिखा दूंगा तो कह रहे हैं वहां पर भी ये ये भी एक नहीं है ये भी आपका कहना उचित नहीं है कुंभवत संचय गंधादयो जैसे कुंभ में बहुत सारे परमाणुओं का संचय होकर के और वो एक कहा जाता है कुंभ वैसे ही यहाँ पर भी ये जो गंधादि गंधादयो इति अनुदाह वहां भी मतलब गंध जो हमें आ रही है तो हम कहते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छी गंध आ रही है गंध मतलब एक गंध बहुत अच्छी गंध पर वो बहुत अच्छी गंध में भी बहुत सारे वो पराग जुड़े हुए हैं जैसे हमने कहा कि भाई एक शब्द बोला आपने उसको हमने सुना तो ये शब्द भी अपने आप में एक नहीं है शब्द संतान से सुना आपने तो बोले ये भी आपका उदाहरण नहीं बन पाएगा एवं परिमाण संयोग स्पंदन जाति विशेष अपि अपनी अनुयोक्तव्य च एवं प्रसंग तो बोले इस प्रकार से वास्तव में एक संज्ञा किसकी होगी उसका उस एक में परिमाण होना चाहिए कुछ उसका और संयोग होना चाहिए और स्पंदन जाति विशेष इन जानों से युक्त होना चाहिए प्रत्यायन अपि अनुयोक्तव्य इन जानों को भी उस एक में जोड़ देना चाहिए जो एक है उसका कोई परिमाण भी होगा संयोग होगा स्पंदन होगा और जाति विशेष होगा उसमें तो तेषु च एवं प्रसंग तो उन पर जो परमाणु है ना माने परमाणु एवं प्रसंग तो उसमें भी ये बात आएगी उन परमाणुओं में क्या क्या होना चाहिए उनका कोई परिमाण होना चाहिए उनका संयोग होना चाहिए उनमें कोई क्रिया होनी चाहिए और उनका जाति विशेष होना चाहिए कि किस जाति विशेष के परमाणु हैं ये कौन से जाति विशेष के परमाणुओं को वृक्ष कहें किसको गाय कहें किसको मनुष्य कहें यह सब उसमें जोड़ना पड़ेगा तो शेष कल पढ़ेंगे आज समय हो गया आज यहीं विराम लेते हैं शांति 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 गुरुभ्यो नमः